अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ चैनल बी3 डॉक्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा प्लान बना है बुनेर जाने का, तो हम इस वक्त मोटरवे पे खड़े हैं। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो हमने कहा आपको भी इस जर्नी में ऐड करें और यहाँ के व्यूज़ भी बहुत आले हैं, आप लोग व्यूज़ इंजॉय करें। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मोटरवे है, गाड़ियों का शोर हो रहा है, तो चलो आपको लेके चलते हैं बुनेर। हेलो जी, मर्दान के साथ मोटरवे। अभी हमने स्वाद मोटरवे छोड़ा है और यहाँ एक इंटरचेंज से उतरे हैं और सीधा बुनेर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में थोड़े सा स्टे लेना था, बहुत थक गए थे बैठ के। हम तो सो के थक गए थे और ये दो जवान अभी बोल रहे, ये तो पूरे डब्बा से सोए अभी इधर आके उठे, तो ये अब देख सकते हैं नींद के ही तो मजा आता है। ये हमारे हम तो नींद पूरी कर रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे एक दो शॉर्ट्स भी बना लें और थोड़ी सी टांगे भी सीधी कर लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा दिन है बुनेर में, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर एक पॉइंट की तरफ। तो रास्ते में सोचा आपको व्यूज़ दिखा लें। रात को हम लेट नाइट पहुंच गए थे। आज दूसरा दिन है बुनेर में, तो रात को हम लेट पहुंचे, सब थके हुए थे, तो इस वजह से हमने एंडिंग शॉट नहीं लिया इस कैमरे में। तो आज हम आए हैं ज़रा बाहर, कौन सी जगह घूमने, अभी कलेल 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 की पहाड़ियों में आए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बुनेर में ही आता है और ये बहुत प्यारा इलाका है, आप लाइफ में एक बार ज़रूर विजिट करें ये बुनेर सवात साइड पर। अब हम जिधर जा रहे हैं ये रोड, तो ये सीधे जाके स्वात बॉर्डर है, मतलब ये बॉर्डर है समझिए आप इस तरह, ये स्वात स्वात को टच करता है ये इलाका। तो आप लाइफ में पाकिस्तान में हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान में बहुत ग्रीनरी है, हमारे लोग बाहर जाने का शौक़ करते हैं लेकिन अपने पाकिस्तान को पहले एक्सप्लोर करें। तो जैसे आपने रास्ते में देख लिए कितना प्यारा रास्ता है, तो आगे भी आपको जर्नी में साथ जोड़े रखेंगे। अभी आगे हमारे जो अभी हमारा आगे प्लान है पीर बाबा जाने का, पीर बाबा से फिर सुल्तान वोस जाएंगे, फिर घूम फिर के वापस आ जाएंगे, उधर डगर वापस आ जाएंगे। हमने बुनेर को क्रॉस किया और यहाँ से स्वात स्टार्ट हो गया, तो ये स्वात की बाउंड्री है, तो स्वात में एंटर होते ही स्वात वाली फीलिंग आ रही है, बहुत प्यारी है। बुनेर भी प्यारा है, स्वात भी प्यारा है, लेकिन बुनेर फेमस नहीं है इतना, तो हम चाहते हैं कि बुनेर भी इसी तरह फेमस हो। है एक ही एरिया लेकिन स्वात बहुत फेमस है, स्वात एक बार प्यारे सिर्फ तुम, इसकी एक अलग ही स्टोरी है, फिर कभी हम आपको। जब एक दिन बाद आपके सिम के सिग्नल आए और आप इंटरनेट ऑन करें तो ये हालात होते हैं। इस वक्त हम वैसे इधर रुके ना तो रिफ्रेशमेंट के लिए, और इनको देखे जरा, तो इनको सिग्नल मिल गए, इनको सिग्नल मिल गए, सिग्नल मिल गए इनको, तो बस ये काम यही है कि यार स्ट्रीक्स नहीं किधर टूट रही हो। तो ये स्वात के एक स्पॉट पे आए हैं, यहाँ चाय पीते हैं और व्यू बहुत प्यारा है, तो यहाँ चाय पीने का अपना ही मजा है,
थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी तो प्यारा होने ही है ये इनकी जगह है ये बंदा जो हमारे साथ है ये हमारे साथ ये स्वाद का है तो हम बड़ा घूम के आए ऐसे बुनेर से मतलब बहुत घूमे सबके फेस एक्सप्रेशन चेक करें ना पूरे व्लॉग में इधर से आपको पता चलेगा फील द डिफरेंस आज हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है जिधर हमने स्टे किया हुआ है ये बहुत प्यारी जगह है तो इसके साथ ही एक अबशार बह रही है तो सोचा सुबह सुबह अबशार में नहाया जाए अपने पाप को धोया जाए बहुत थकावट हो रही है तो हमारे जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि ये अबशार जो हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये साफ पानी पहाड़ से निकल के आ रहा है बिल्कुल अच्छे हम ऑलरेडी तैयार होके बैठे हुए हैं तो हम बहुत थके हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सारी थकावट इस अबशार में ख़त्म हो जाए इसके साथ साथ आप लोगों को ये जहाँ हमने स्टे किया ये जगह भी दिखाते हैं बहुत मज़ा